फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। आई एम हिना टक्कर। मैं क्लास 11th के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वीडियोस बना रही हूँ और मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा स्टूडेंट तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर टू, और चैप्टर नंबर टू हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर टू। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के चैप्टर के मीनिंग को अगर हम समझ जाएं तो हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा आसान होगा और हम उसी के मीनिंग को जो है समझेंगे एज यूजुअल। ठीक है, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर का मतलब हुआ अ कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। यानी कि कंज्यूमर का सिंपल सा मतलब हुआ कि कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जिसको किसी भी चीज की वांट है, मतलब उसको जरूरत है। अगर किसी भी चीज की जरूरत है और वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ खर्च कर रहा है पैसे, तो उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर, चाहे वो गुड्स पे करे चाहे वो सर्विसेज पे करे। अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी। और जैसे कि मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, संजय, जैसे संजय को कोई गुड्स खरीदने, सपोज उसको बर्गर खाना था, मतलब बर्गर उसकी वांट हुई, बर्गर उसकी वांट हुई, तो ये जो उसको वांट को पूरा कर रहा है वो, दैट मीन संजय कौन हुआ इसके अंदर, वो कंज्यूमर हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर नेक्स्ट पे चलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यहाँ लिखा है, वैसे तो हम चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, बट आपको इन शॉर्ट मैं पहले इसलिए बताती हूँ चैप्टर के नेम को, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आए, जो चैप्टर जो है बोरिंग ना लगे। इसलिए अगर आपको चैप्टर के मीनिंग के बारे में अगर पता चल जाएगा तो हर चीज बहुत इजी लगने लगेगी और हर चीज जो है आप जो है सोच समझ के पढ़ने लगेंगे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो चेंज। नो चेंज मतलब कैसे, जैसे प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर वो अपने लेवल को चेंज नहीं करना चाहता, मतलब अपने कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को चेंज नहीं करेगा, उसका लेवल बिल्कुल सेम रहेगा, तो वो इक्विलिब्रियम है। इसको और डिटेल में हम आगे वीडियोस में पढ़ लेंगे, अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए आप। आगे चलते हैं, दो अप्रोच होती है हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करेंगे हम, दो अप्रोचेस से। पहला तो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, यूटिलिटी अप्रोच दोनों में देख रहे हैं, बस कार्डिनल एंड ऑर्डिनल का फर्क है। ठीक है, ये दोनों अप्रोच को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले इन शॉर्ट समझ लेते हैं क्या होता है। कार्डिनल का मतलब होता है जो चीज नंबर में रिप्रेजेंट कर सके, जैसे मैंने आप लोगों के इन शॉर्ट लिखा भी है। पहले तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के दो नाम और है, एमसीक्यू पक्का 100% इसमें से बनता है, और अगर आप यही छोटी छोटी चीजें अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको दिक्कत नहीं आएगी, साथ साथ लर्न करते जाइए। जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप उसी दिन उस चीज को रिवाइज कीजिए, अगर आप वही टॉपिक उस दिन रिवाइज कर लेंगे, और साथ में आगे की वीडियोस का भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना, ताकि नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि आपको याद हो जाएगा, तो एमसीक्यू में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट्स आपको। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का दूसरा नाम है मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि ये जो थ्योरी है वो किसने दी है, मार्शल्स ने दी है, जो कि हमारे इकोनॉमिस्ट है। एंड थर्ड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसका तीसरा नाम है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। पहला कार्डिनल, दूसरा मार्शल, तीसरा मार्जिनल। ठीक है, तो तीनों चीजें समझ में आ गए स्टूडेंट्स आपको। इसके अंदर क्या होता है समझ लेते हैं। कार्डिनल का मतलब है जो चीज नंबर में रिप्रेजेंट करी जाए, जैसे मैंने आप लोगों के लिखा भी है 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, आप ये सोचेंगे नंबर में किसको रिप्रेजेंट करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको अपना सेटिस्फेक्शन जो है वो नंबर में रिप्रेजेंट करना होता तो वो आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहलाता है। नंबर्स में कैसे, जैसे कि स्टूडेंट्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और आपको पानी पीना है, तो आपने एक गिलास पानी पिया, दो पिया, तीन पिया, ऐसे जो है आप जो अपना कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं और एक टाइम पे आगे रुक जाएंगे फिर बिल्कुल ही नहीं पिएंगे, तो वो नंबर में रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपने कितनी कितने जो है कितना नंबर आपने रिप्रेजेंट किया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, नंबर्स में होता है वो कार्डिनल यूटिलिटी होता है अप्रोच। एंड सेकेंड आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच,
इसका दूसरा नाम होता है इंडिफरेंस कर्व एनालाइजर और इसका थर्ड नेम होता है हिक्सन एनालाइजर, यानी कि जो ये ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच है उसको हम दो नाम और से जानते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालाइजर एंड हिक्सन एनालाइजर से भी जानते हैं क्योंकि हिक्सन ने भी इनकी थ्योरी दी है। ठीक है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम चैप्टर में अगली वीडियोस में, अभी के लिए इतना ही समझ लेते हैं। और ऑर्डिनल में क्या चीज होता है, ऑर्डिनल में बेसिकली आपकी जो प्रेफरेंस होती है उसको रैंक में नंबर दिया जाता है, मतलब नंबर्स में चीजें नहीं होती, नंबर में रिप्रेजेंट नहीं होती। जैसे इसके अंदर कार्डिनल में नंबर में रिप्रेजेंटेशन होती है 1 2 3 4, ऐसे ऑर्डिनल में नंबर्स नहीं होते, रैंक दी जाती है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरीके से। वो कैसे, जैसे मैंने आप लोगों के एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा है मैंगो एंड पपाया, जैसे हर किसी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग अलग होती है, जैसे किसी को मैंगो ज्यादा पसंद है तो किसी को पपाया ज्यादा पसंद है, किसी को एप्पल बनाना, व्हाटएवर, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, तो हर किसी का टेस्ट अलग अलग है। तो मैंने यहाँ पे दो का एग्जांपल लिया है, अगर किसी दो स्टूडेंट से पूछा जाए और दोनों का टेस्ट अलग अलग होगा तो किसी को ज्यादा मैंगो पसंद होगा तो वो फर्स्ट रैंक उसको देगा, पपाया थोड़ा कम पसंद है तो उसको सेकंड रैंक देगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको पपाया ज्यादा पसंद होगा तो पपाया को फर्स्ट रैंक देंगे और मैंगो को सेकंड रैंक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट पे चलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का टॉपिक जो है वो इसके अंदर कंटिन्यू करना जरूरी है क्योंकि दोनों में यूटिलिटी है, आप देख पा रहे होंगे यूटिलिटी यूटिलिटी, क्योंकि यूटिलिटी मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो यूटिलिटी की डिफाइन जो हम पढ़ लेते हैं, पर यूटिलिटी रेफर्स टू वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको कम्युनिटी का मीनिंग नहीं पता तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब वो क्लास लेते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लास होती है, ऑफलाइन वो पढ़ रहे होते हैं, तो टीचर जब उन्हें समझाते हैं तो काफी सारे बच्चे जो होते हैं शर्म के मारे जो है पूछते ही नहीं है छोटे छोटे वर्ड्स। तो मैं आपको वो भी साथ साथ क्लियर करूंगी, क्योंकि कम्युनिटी, गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर बार बार देखने को मिल ही जाएंगे, इसलिए मैं आपको वो भी वर्ड्स जो है वो वर्ड जो है क्लियर करना चाहूंगी। अभी कॉमोडिटी का, कॉमोडिटी का मतलब होता है आपकी उपयोगी वस्तु, मतलब जो जो आपकी थिंग जो है वो आपके जो काम आने वाली है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार माइक्रो के अंदर शेड्यूल बना रहता है, उसमें लिखा रहता है गुड्स एक्स, गुड वाई, या फिर एप्पल, बनाना, मैंगो, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वो आपकी कॉमोडिटी है जो आपके यूज में आने वाली है, तो कॉमोडिटी उसको बोलते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को क्लियर करा कि काफी सारे स्टूडेंट जो है वो छोटी छोटी चीजें को मिस कर देते हैं। यूटिलिटी रेफर्स टू वॉन्ट, ये बुकिश लाइन है, पहले मैं बुकिश लाइन रीड करती हूँ, उसके बाद जो अपना जो है शॉर्ट में आप लोगों को बताती हूँ। यूटिलिटी रेफर्स करती है जो वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी, यानी कॉमोडिटी के अंदर कितनी पावर है आपको सेटिस्फाई करने की, वो यूटिलिटी होती है। जैसे कि ये मैंने इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया, ग्लास ऑफ वॉटर। कैसे, जैसे गर्मियों का टाइम है, गर्मियों का टाइम है तो सपोज आपके घर में कोई आया है, ठीक है, और जो है और उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो हम जो है हमेशा पानी सबसे पहले ऑफर करते हैं, डेफिनेटली करना भी चाहिए, काफी सारे स्टूडेंट जो है करते भी होंगे, ऑफर कर दिया कि आप पानी लेंगे तो वो पानी ले लेते हैं। तो देखा होगा जब गर्मी ज्यादा होती है तो प्यास बहुत ज्यादा लगी होती है, तो जब हम एक ग्लास पानी पीते तो देखा होगा सेटिस्फेक्शन इतना ज्यादा होता है कि उनके फेस पे वो चीज दिख रही होती है। जैसे कुछ जो है ओल्ड एज पीपल हो गए या कुछ ऐसे जनरली जो है मजाक में बोल देते हैं, एक ग्लास पानी पीते तुम्हारा भला हो, बहुत मतलब पुण्य का काम किया, मतलब ये सारे वर्ड्स आप देखने को मिलेंगे आप लोगों मेरे माइंड में थे, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। क्योंकि पता है अब यही होता है कि आप लोगों को जो डेली लाइफ एग्जांपल है मैं ज्यादातर वही देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उससे क्या है थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा आपको और पढ़ाई एक बोझ नहीं लगने लगेगी सीरियसली स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको ऐसा एग्जांपल देती हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा बीच में ये भी ऐसा ना लगे कि आपको क्या बोर फील कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना पानी पीने के बाद बहुत ज्यादा आपने मतलब बहुत अच्छा काम किया, आप मेरे को पानी पिला दिया, तो इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स यही वाली चीज है कि जब पहला ग्लास पानी पिया होगा तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है, फिर हम दूसरा ग्लास ऑफर करेंगे तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा क्योंकि वो जो पावर थी वो कम होती जाएगी धीरे धीरे धीरे। आप थर्ड ग्लास जो ऑफर करेंगे उसमें कम, फोर्थ में और कम, तो एक टाइम आएगा वो बिल्कुल ही आपको मना कर देंगे क्योंकि अब जो है सेटिस्फेक्शन की जो पावर है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब उनका जो भी कंजम्पशन था वो पूरा कर चुके हैं। तो ग्लास ऑफ वाटर से आप आई होप समझ गए होंगे। देखो हर किसी की जो यूटिलिटी की जो पावर होती है वो डिफर होती है। डिफर कैसे होती है, जो मैंने यहाँ लिखी भी है,
प्लेस टू प्लेस होती है, टाइम टू टाइम होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर किसी की यूटिलिटी की पावर सेम नहीं होती, इसीलिए मैंने ये तीनों चीजें यहाँ लिखी हैं। प्लेस टू प्लेस भी डिपेंड करती है, ठीक है, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो उसके हिसाब से आप कॉफी चाय ज्यादा पीना पसंद करेंगे, ठीक है, तो वो उसके अंदर पावर होती है, ठीक है। टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन, हर किसी पर्सन की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग अलग होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ चीज आपको जो है समझा दी है कि यूटिलिटी क्या होता है। और यूटिलिटी जो होता है हमेशा यूटिल्स में जो है मेजर किया जाता है, मैं लिख देती हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिए, यूटिल्स में जो है इसको जो मेजर किया जाता है। आप सोचेंगे यूटिल्स में कैसे, देखो स्टूडेंट्स जैसे भी हमें किसी चीज मेजर करनी होती है, जैसे अगर हमें कोई सॉलिड चीज मेजर करनी है तो हम केजी में ग्राम में कर लेते हैं, कोई लिक्विड चीज करनी है तो लीटर मिलीलीटर ऐसे करते हैं, तो ऐसे ही अगर यूटिलिटी को मेजर करना हो तो हम किस में करेंगे, तो हम करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स ने हमें बताया है इमेजिनरी है ये, यूटिलिटी को मेजर करना है तो आप यूटिल्स में करेंगे। यूटिल्स में कैसे, अगर मुझे लिखना है वन यूटिल्स, टू यूटिल्स, थ्री यूटिल्स, आप ऐसे जो है यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और यूटिलिटी को आप यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा यूटिलिटी वाला टॉपिक, अब बाकी का आगे देखते हैं हमें। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। अभी हम लोगों ने समझा कि यूटिलिटी क्या होता है, वो हम समझ चुके हैं, टोटल यूटिलिटी भी पढ़ लिया है, अब उसके फॉर्मुलेस पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है। तो देखते हैं, टोटल यूटिलिटी को मैंने टी यू लिखा है, इन शॉर्ट टी यू, टोटल यूटिलिटी, यू वन यू टू यू थ्री ऐसे करते जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी हमारी निकल जाएगी। अब हम जो है शेड्यूल के तरफ से देख लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी कैसे निकाली है हम लोगों ने, और टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एम यू। सिग्मा का मतलब आप लोग नोट कर लीजिए, टोटल होता है उसका मतलब, ठीक है, तो सिग्मा का मतलब टोटल होता है, लिख लीजिए। एम यू को जैसे टोटल करते जाएंगे तो यू कैन फाइंड आउट द टोटल यूटिलिटी। तो अब देख लेते हैं टी यू कैसे निकाला है, ऊपर वाला सेम रहेगा, ठीक है, 20 के अंदर 16 हम लोग प्लस कर देंगे तो 36 हो गया, फिर 36 के अंदर जो है हमें 10 ऐड करना है 46, 46 में 4 ऐड करेंगे तो 50, 50 में 0 ऐड करेंगे तो 50, 50 में प्लस है, प्लस करना होता है लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 44 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा टोटल यूटिलिटी कैसे निकालना है। उसके बाद हम समझेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, पहले हम डिफाइन समझ रहे हैं उसके बाद हम फॉर्मूले समझ रहे हैं, ठीक है, तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी समझ लीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। इसका मतलब हुआ कि एक एडिशनल यूटिलिटी जो डराइव हुई है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी वही है, एडिशनल यूटिलिटी जो डराइव हो रही है कंजम्पशन करने के, वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। तो समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाली जाती है, अगर हमें टी यू दिया होगा तो एम यू कैसे निकालेंगे। अभी हमने समझा था कि अगर एम यू दिया है तो टी यू ऐसे निकलेगा, अगर हमें टोटल यूटिलिटी दी है और मार्जिन निकालना है तो उसके फॉर्मूले दो बनते हैं, एक तो टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन कर देंगे। तो देखते हैं, पहला वाला तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 20 का 20 रह रहा है, आपको 36 में से, आपको 36 में से 20 को जो है माइनस कर देना है, आप यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो आपका 16 आ जाएगा। आप लोगों को मैं करके दिखाती हूँ, 36 में तो 20 आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 16, फिर आपको जो है ए माइनस करना रहेगा, 46 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 50 में से 46 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे टोटल यूटिलिटी भी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाला है मैंने, और फॉर्मूला भी समझ लिया है, एक फॉर्मूला ये वाला जिससे मैंने आपको निकाल के दिखाया है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टी यू, यानी टी यू के अंदर कितना चेंज आ रहा है अपॉन में क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, दोनों को डिवाइड देंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी भी निकल जाएंगे। उसके बाद जो है शेड्यूल हम समझ गए हैं, और एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक और समझ लेते हैं, उसके बाद ये समझना आसान हो जाएगा कि टी यू और एम यू के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप देख रहे होंगे पहले टोटल यूटिलिटी और एम यू का रिलेशन समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो हम देखते हैं अगर हम ये शेड्यूल के अंदर कुछ चीजें इमेजिन करके चल रहे हैं और इसी अप्रोच को लेकर चलेंगे, यूटिलिटी को ही लेकर चल रहे हैं और कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हमने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी है तो मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, टोटल भी 20, टोटल यूटिलिटी भी 20 है,
दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी 16 हुई और टोटल यूटिलिटी 36 हो गई। तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसके अंदर टोटल यूटिलिटी तो मैक्सिमम हो रही है, ज्यादा हो रही है, और एमयू जो है यानी कि 50 एंड 50, जब हमारी टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी उस पॉइंट पे जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर मान लीजिए आपको कुछ भी खाने को दिया जाए या फिर कोई जूस पीने को दिया जा रहा है, अगर आपने उसका कंजप्शन करा है, मैंने तो यहाँ पे आइसक्रीम का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर आइसक्रीम का ही लेके चले, अगर आप एक आइसक्रीम खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरी खाएंगे तो कम सेटिस्फेक्शन, तीसरी खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन कम, ऐसे धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें आप बिल्कुल ही मना कर देंगे कि नहीं अब मन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं खानी ही पड़ेगी, कोई चैलेंज है, तो फिर से वही बात है, फिर तो आपको आपकी तबीयत ही बिगड़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो पॉइंट भी हम देखेंगे। तभी मैंने आपको कहा था कि हर एक चीज पढ़ने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स होते हैं, जो हमारे रियल लाइफ के फैक्ट्स होते हैं, बस वो एग्जाम्पल का फर्क होता है कि कौन से एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको मैं समझाऊं, ताकि आप लोग जो है डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ ज्यादा रिलेट कर पाएंगे चीजों को। तो मैंने वही एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई ज्यादा फोर्स कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट ये वाली सिचुएशन है कि आपने अगर जबरदस्ती खाई है किसी चैलेंज के चक्कर में, तो वो नेगेटिव जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, यानी तबियत बिगड़ने का पूरा पूरा चांस है कि आप जबरदस्ती उस चीज को कंज्यूम करते ही जा रहे हैं, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कोई चैलेंज आपको कोई मिला है कि आपको जो बर्गर है, आपको 15 या 20 बर्गर जो है वो विद इन 2 आवर्स में खत्म करने हैं, ठीक है, या फिर 1.5 आवर्स में खत्म करने हैं, 1 या 2 घंटे में खत्म करना है, तो आप डेफिनेटली क्या करोगे? एक आराम से खा लोगे, 2 खा लोगे, ठीक है, तीसरे में आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं खाया जाएगा, या फिर ऐसे चलता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आप चैलेंज के चक्कर में जबरदस्ती उसको खा भी लेंगे तो भी आपकी तबियत बिगड़ेगी बिगड़ेगी, चाहे वो कोई सा भी कंजम्पशन आप कर रहे हो गुड्स का। तो सेम वही है, उसी से याद रखना, जैसे ही आपके माइंड में बर्गर आएगा और आइसक्रीम आएगी, तो आपको पक्का मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसीलिए मैं डेली लाइफ के एग्जांपल आपसे रिलेटेड जो है और अपने से रिलेटेड एग्जांपल देती हूँ, ताकि आपको हमेशा हमेशा याद रहे। और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं, जहां पर टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटर्डी। याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में पक्का बनेगा कि पॉइंट ऑफ सैटर्डी में कौन सी सिचुएशन होती है, एमयू जीरो होता है या एमयू नेगेटिव होता है या एमयू पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर है जीरो, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। साथ साथ एमसीक्यू भी बताते जाओगे, जहां जहां पे बनते रहेंगे तो आप वो भी जो है स्टार बना के नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद जो है हम लोग समझ गए हैं, हमने डिजाइन समझी, शेड्यूल समझ लिया, अब जो है थोड़ा सा हम कर्व समझ लेते हैं, ग्राफ समझ लेते हैं कैसे बनेगा ये। तो आप लोगों के सामने मैंने ये जो ग्राफ है वो इसी को बना दिया है यहाँ पर, और देख लेते हैं। ये मैंने एमयू ऑफ आइसक्रीम लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे यूनिट ऑफ आइसक्रीम लिया है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एमयू का शेड्यूल ही बनाया। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैंने जो शेड्यूल बनाया इसका, नहीं, मैंने एमयू और आइसक्रीम का ही बनाया है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसी को यहाँ पे प्लॉट किया है मैंने, तो सारे पॉइंट प्लॉट हो गए। ये देख रहे होंगे सबसे नीचे एक नेगेटिव नंबर था, इसलिए मेरे को नेगेटिव तक लेके जाना पड़ा इसको, नीचे नेगेटिव तक, तो पूरा प्लॉट हो गया। अब इसी को थोड़ा समझ लेते हैं। एमयू स्लोप डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि टोटल यूटिलिटी जो है वो सेम थी पहले, यानी कि इस पॉइंट को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है टीयू मैक्सिमम बिकम जीरो, ठीक है, पहले पॉइंट को हम समझ लेते हैं। टीयू जब इंक्रीज करता है, ये वाला साइन इंक्रीजिंग का देती हूं मैं, और ये वाला डिक्रीजिंग का आप लोगों के लिए शॉर्ट में, ठीक है। टीयू इंक्रीज होगा तो एमयू पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है सामने दिख भी रहा है। जब टीयू जो हमारा बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं वो भी एमयू भी क्या है, पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, कुछ भी नेगेटिव या जीरो नहीं है, ठीक है, जो ऊपर वाले पॉइंट में नजर आ रहा है। ये सब क्या है? इंक्रीजिंग है एमयू, मतलब एमयू जो है वो पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। जैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी 50 हुई,
तो मार्जिनल यूटिलिटी उसी पॉइंट पे ही जीरो हो जाएगी जिसे हम पॉइंट ऑफ स्टैटिक ही कहते हैं, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। फिर टीयू डिक्रीज करेगा तो एमयू नेगेटिव। जैसे ही आपने देखा होगा टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज कर गई, मतलब 50 से 44 पे आ गई। जैसे ही टीयू डिक्रीज करेगा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसको याद रखना, तबियत खराब हो जाएगी वो वाला पॉइंट है, इससे याद रखना। ज्यादा बर्गर खाए तो तबियत खराब होगी ही होगी, ठीक है। तो ये वो वाला पॉइंट है, याद रखना। बर्गर से आप लोगों को जो भी बर्गर पसंद हो पर ज्यादा कंज्यूम मत कर लेना ताकि ये नौबत ना आ जाए, चाहे वो बर्गर किंग हो, मैकडॉनल्ड्स हो, बर्गर कोई सा भी ब्रांड हो, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं, तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए हैं मैंने आप लोगों के लिए, ग्राफ भी समझा दिया। एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, डिसयूटिलिटी क्या होता है। ये भी पॉइंट दिया हुआ था, काफी बार मैं देखती हूँ क्वेश्चंस पेपर में जो स्टूडेंट्स हैं वो मेन पॉइंट्स पढ़ के चले जाते हैं, और जो वो बुकिश बुक के अंदर जो होता है वो एक नोट करके जो उसका अपोजिट दिया होता है वो हम पढ़ते नहीं है, उस पर जो है क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने आप लोगों के लिए वो वाला पॉइंट भी कवर किया है, डिसयूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का उल्टा कर दो, मतलब यूटिलिटी क्या है जो है, मैंने DIS लगा दिया, डिस लगा दिया, तो मतलब उसका अपोजिट है, डिसयूटिलिटी उसका अपोजिट होगा। यानी यूटिलिटी में क्या होता है कि हमें हमारे जो कॉमोडिटी होती है उसके अंदर कितनी पावर होती है सेटिस्फाई करने की, और इसके अंदर क्या है डिसयूटिलिटी में क्या है कि हमारी जो पावर है वो लॉस कर रही है यानी गिरती जा रही है, तो हमारी डिसयूटिलिटी होगी। आई होप आप लोगों को ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो नोट्स बना लीजिए टाइम टू टाइम, नेक्स्ट टॉपिक अभी देखिए।